इंद्र जो है इज नो डाउट ही इज अ स्पेशल पर्सन, उनसे गलतियां भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और उनको उनकी सजा भी मिलती है। जैसे गौतम ऋषि की जो वाइफ थी अहिल्या, वो चोरी छुपे आए थे, उनका संग करने के लिए आए थे, सहवास करने के लिए आए थे उनके साथ, फिर देन ही वॉज कर्स्ड टू हैव 1,000 eyes ऑन हिज बॉडी, सो उनका नाम हो गया सहस्त्र नेत्र, जैसे नाउ ही हैज 1,000 eyes, सो ही ऑल्सो गेट्स पनिश्ड फॉर हिज एक्टिविटीज। और इंद्र जो है बनना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट्स अ पोस्ट, और कोई व्यक्ति पुण्य करता है somebody can become इंद्र, और इंद्र बनने के बाद ऑफकोर्स वहां पर गलतियां हो सकती है, रीजन भी वो शुद्ध भक्ति अभी नहीं कर रहा होता, सो इंद्र से इसलिए भी गलतियां होती है बिकॉज ही इज नॉट डूइंग शुद्ध भक्ति, ही इज डूइंग असकाम भक्ति, यानी कि कामनाएं भी हैं, अप्सराएं भी हैं, ओके एंजॉयमेंट भी है, लेकिन साथ साथ में ऑफकोर्स ही डज हिज एक्टिविटीज, ही टेक्स केयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेल, जैसे टाइम से बारिश होना, जहां पायटी है वो बारिश करना, वो भी करते हैं, सो ही इज डूइंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन क्योंकि इंद्र जो है पोस्ट जो है वो एक भोग योनि है, सो इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि वो ऐसी एक्टिविटीज में है, लेकिन हमें उन्हें नेगेटिवली जज नहीं करना चाहिए, ये मानते हुए कि ना इंद्र स्टिल स्पेशल, इवन दो ही इज इन दैट पोस्ट जहां पर एंजॉयमेंट है, बट स्टिल ही इज स्पेशल एक्चुअली, ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल अदर डेमी गॉड्स, जितने बाकी देवी देता है उनको उनको सुपरवाइज करते हैं, एंड ही डज दैट वेरी रिस्पॉन्सिबली, और अगर कोई अटैक वगैरह भी होता है बाय नेगेटिव पावर्स, ही इज द वन हु टेक्स द ओनरशिप ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द ईविल्स, नहीं संभाल पाते फिर जाते हैं प्रभु के पास, बट ही डज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो वेरी वेल, लेकिन जब तक शुद्ध भक्ति हम नहीं करेंगे तो पूरी तरह से संसारिता से निकल भी नहीं पाएंगे, सो दैट्स द केस विद इंद्र एज वेल, बट इंद्र इज अगेन अ पायस पर्सन, अगर कभी आपको इंद्र से मिलना हुआ, इंद्र से मिलकर के आप बहुत इंप्रेस होंगे, बिकॉज इंद्र इज अ थॉरो जेंटलमैन एंड वेरी रिस्पेक्टफुल एज वेल, उनको ऐसा कोई घमंड वगैरह नहीं है कि अगर आप मिले और वो ऐसा ताऊ जी की तरह बैठे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, सो इंद्र इज वेरी रिस्पेक्टफुल एज वेल, बट यस शुद्ध भक्ति करके समबडी कैन बिकम परफेक्ट, और इंद्र से एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके कभी शुद्ध भक्ति कर पाए, स्वर्ग में तो शुद्ध भक्ति हो नहीं पाती बिकॉज देयर आर सो मेनी एल्योरमेंट्स ऑल अराउंड, सो इसीलिए शुद्ध भक्ति वहां पर नहीं हो पाती, बट यस होप ये जो मनुष्यों ने मिली है ना, दिस इज दी बेस्ट, हाँ सेंस एंजॉयमेंट है भी लेकिन दुख भी भोगते हैं हम लोग, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बुद्धि आती है यार ये जगह नहीं है, यहाँ रहने का नहीं है भाई, यहाँ से निकलने का है, सो दैट्स व्हाई दिस मनुष्य जीवन इज इवन ग्रेटर देन गेटिंग पोजिशन ऑफ इंद्र।